दिन भर की खास खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि झारखंड में उर्दू विद्यालय का मामला इन दिनों गर्माया हुआ है, जहां अब तक झारखंड के जामताड़ा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू मध्य विद्यालय की तर्ज पर शुक्रवार को बंद रखकर रविवार को खोला जा रहा था, और अब यही मामला जामताड़ा के बाद गोड्डा में भी देखने को मिल रहा है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू विद्यालय के तर्ज पर चलाया जा रहा है और उर्दू विद्यालय के तर्ज पर ही शुक्रवार को विद्यालय बंद कर रविवार को खोला जाता है। दूसरी खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के राजाबेटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की मांग में नाबालिग लड़के द्वारा सिंदूर भरने के बाद इलाके में सौहार्द बिगड़ता नजर आया। दरअसल पिछले दिनों एक नाबालिग मुस्लिम युवक द्वारा लड़की को छेड़ने के बाद लड़की ने इसकी शिकायत थाने में की थी। थाने द्वारा कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कुछ दिन बाद जब लड़का फिर से रिमांड होम से वापस आया तो कल स्कूल जाने के क्रम में लड़की से एक बार फिर छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद हिंदू समाज ने एकजुट होकर बैठक की और इस घटना को निंदनीय बताया। वहीं आज शाम तक आरोपी को गोड्डा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी खबर में आपको बता दें कि बसंतराय थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र के कई बालू घाटों का बीते दिन निरीक्षण किया। बालू घाटों का निरीक्षण करते समय थाना प्रभारी ज्योतिष जायसवाल व अंचलाधिकारी मुंशी राम मौजूद थे। साथ ही साथ जिन घाटों से बालू का उठाव हो रहा था, उन घाटों से निकलने वाली गाड़ी का रास्ता बुलडोजर के द्वारा अवरुद्ध किया गया। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के विभिन्न चौक चौराहों पर नगर थाना पुलिस द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। वहीं नगर थाना प्रभारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि यह चेकिंग अभियान विशेषकर नए युवकों के लिए है जो अंडर एज हैं और बिना लाइसेंस के ट्रिपल लोडिंग गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि इन दिनों इन्हीं सब युवकों की सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना हो रही है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के बसंतराय कॉलेज पहुंचे जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो। अनिल कुमार महतो ने इस दौरान कॉलेज प्रशासन के द्वारा इंटर के 168 छात्राओं को मुख्य शिक्षा दिलाने की मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जिला परिषद अध्यक्ष बेबी देवी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस समारोह में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी रीति रिवाज के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को सॉल बुके देकर सम्मानित किया गया। क्या आप IIT, JEE, NEET या 11th, 12th की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही ज्वाइन कीजिए साउथ इंडियन इंस्टीट्यूट चैतन्य क्लासेस देवघर। जी हाँ, अब आपके नजदीकी शहर देवघर में चल रहा है चैतन्य क्लासेस, जहाँ इन सभी कोर्सेज की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। कोरोना महामारी के इस दौर में आपको दूर शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों की सारी सुविधाएं आपको यहां ही मिल रही है। तो अपने बेहतर भविष्य के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए चैतन्य क्लासेस देवघर।